हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तकदीस में बहुत ज़्यादा मशगूल व मसरूफ़ रहते थे और आप इस कदर खुश इल्हान थे कि जब आप ज़बूर शरीफ पढ़ते थे तो आपके वजद आफरीन नगमों से न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद भी वजद में आ जाते और आपके गिर्द जमा होकर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के तराने गाते और अपनी सुरीली और पुरकैफ आवाज़ों में तस्बीह और तकदीस में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हम नवाई करते और चरिंद परिंद ही नहीं बल्कि पहाड़ भी खुदावंद ताला की हमदो सना में गूंज उठते थे। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इन मौजज़ात का जिक्र जमील अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया के अंदर, सूरह सबा के अंदर और सूरह स्वाद के अंदर सराहत के साथ बयान फरमाया। इरशादे बारी ताला है, बेशक हमने उसके साथ पहाड़ मुसख़र फरमा दिए तस्बीह करते हुए शाम को। इन आयात कुरानी से यह मालूम होता है कि बेअकल परिंद और बेजान पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला का नगमा गाया करते थे। इससे हम इंसानों को ये सबक मिलता है कि हम इंसान जो अकल वाले, शऊर वाले और होशमंद और साहिब ज़ुबान हैं, हम पर भी लाजम है कि हम खुदावंद ताला की तस्बीह और उसकी हमदो सना के अफकार को विरद ज़ुबान बनाएं और उसकी तस्बीह और तकदीस में बराबर मशगूल व मसरूफ़ रहें।